प्रकाशित वाक्य अध्याय दो। इफिसुस की कलिसिया के स्वर्गदूत के नाम यह लिख। वह जो अपने दाहिने हाथ में सात तारों को धारण करता है तथा जो सात दीपाधारों के बीच विचरण करता है, इस प्रकार कहता है, मैं तेरे कर्मों, कठोर परिश्रम और धैर्यपूर्ण सहनशीलता को जानता हूं, तथा मैं यह भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को सहन नहीं कर पाता है, तथा तूने उन्हें परखा है जो कहते हैं कि वे प्रेरित हैं किंतु हैं नहीं, तूने उन्हें झूठा पाया है। मैं जानता हूं कि तुझ में धीरज है और मेरे नाम पर तूने कठिनाइयां झेली हैं और तू थका नहीं है, किंतु मेरे पास तेरे विरोध में यह है, तूने वह प्रेम त्याग दिया है जो आरंभ में तुझ में था। सो याद कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा तथा उन कर्मों को कर जिन्हें तू प्रारंभ में किया करता था, नहीं तो यदि तूने मन न फिराया तो मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे दीपाधार को उसके स्थान से हटा दूंगा। किंतु यह बात तेरे पक्ष में है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके पास कान हैं वह उसे सुने जो आत्मा कलीसियाओं से कह रहा है। जो विजय पाएगा मैं उसे परमेश्वर के उपवन में लगे जीवन के वृक्ष से फल खाने का अधिकार दूंगा। स्मुरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख। वह जो प्रथम है और जो अंतिम है, जो मर गया था तथा जो पुनर्जीवित हो उठा है, इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हारी यातना और तुम्हारी दीनता के विषय में जानता हूं। यद्यपि वास्तव में तुम धनवान हो जो अपने आप को यहूदी कह रहे हैं, उन्होंने तुम्हारी जो निंदा की है मैं उसे भी जानता हूं। यद्यपि वे यहूदी हैं नहीं, बल्कि वे तो उपासकों का एक ऐसा जमघट है जो शैतान से संबंधित है। उन यातनाओं से तू बिल्कुल भी मत डर जो तुझे झेलनी है। सुनो, शैतान तुम लोगों में से कुछ को बंदी गृह में डालकर तुम्हारी परीक्षा लेने जा रहा है और तुम्हें वहां 10 दिन तक यातना भोगनी होगी। चाहे तुझे मर ही जाना पड़े, पर सच्चा बने रहना, मैं तुझे अनंत जीवन का विजय मुकुट प्रदान करूंगा। जो सुन सकता है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है। जो विजयी होगा उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं उठानी होगी। पिरगमुन की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख। वह जो तेज दोधारी तलवार को धारण करता है इस प्रकार कहता है, मैं जानता हूं तू कहां रह रहा है। तू वहां रह रहा है जहां शैतान का सिंहासन है, और मैं यह भी जानता हूं कि तू मेरे नाम को थामे हुए है तथा तूने मेरे प्रति अपने विश्वास को कभी नहीं नकारा है। तुम्हारे उस नगर में जहां शैतान का निवास है, मेरा विश्वास पूर्ण साक्षी अंतिपास मार दिया गया था। कुछ भी हो, मेरे पास तेरे विरोध में कुछ बातें हैं। तेरे यहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिलाम की सीख पर चलते हैं। उसने बालाक को सिखाया था कि वह इसराइल के लोगों को मूर्तियों का चढ़ावा खाने और व्यभिचार करने को प्रोत्साहित करे। इसी प्रकार तेरे यहां भी कुछ ऐसे लोग हैं जो निकुलइयों की सीख पर चलते हैं। इसलिए मन फिरा, नहीं तो मैं जल्दी ही तेरे पास आऊंगा और उनके विरोध में उस तलवार से युद्ध करूंगा जो मेरे मुख से निकलती है। जो सुन सकता है वह सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। जो विजयी होगा
मैं उसे स्वर्ग में छिपा मन्ना दूंगा। मैं उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा जिस पर एक नया नाम अंकित होगा, जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, जिसे वह दिया गया है, थुआतीरा की कलीसिया के स्वर्ग दूत के नाम, परमेश्वर का पुत्र जिसके नेत्र धधकती आग के समान हैं, तथा जिसके चरण शुद्ध कांसे के जैसे हैं, इस प्रकार कहता है, मैं तेरे कर्मों, तेरे विश्वास, तेरी सेवा तथा तेरी धैर्यपूर्ण सहन शक्ति को जानता हूं। मैं जानता हूं कि अब तू जितना पहले किया करता था उससे अधिक कर रहा है, किंतु मेरे पास तेरे विरोध में यह है, तू ईजेबेल नाम की उस स्त्री को सह रहा है जो अपने आप को नबी कहती है। अपनी शिक्षा से वह मेरे सेवकों को व्यभिचार के प्रति तथा मूर्तियों का चढ़ावा खाने को प्रेरित करती है। मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया है, किंतु वह परमेश्वर के प्रति व्यभिचार के लिए मन फिराना नहीं चाहती। इसलिए अब मैं उसे पीड़ा की शैया पर डालने ही वाला हूं, तथा उन्हें भी जो उसके साथ व्यभिचार में सम्मिलित हैं, ताकि वे उस समय तक गहन पीड़ा का अनुभव करते रहें, जब तक वे उसके साथ किए गए अपने बुरे कर्मों के लिए मन न फिरावे। मैं महामारी से उसके बच्चों को मार डालूंगा और सभी कलीसियाओं को यह पता चल जाएगा कि मैं वही हूं जो लोगों के मन और उनकी बुद्धि को जानता है। मैं तुम सब लोगों को तुम्हारे कर्मों के अनुसार दूंगा। अब मुझे थुआतीरा के उन शेष लोगों से कुछ कहना है जो इस सीख पर नहीं चलते और जो शैतान के तथा कथित गहन रहस्यों को नहीं जानते। मुझे तुम पर कोई और बोझ नहीं डालना है, किंतु जो तुम्हारे पास है उस पर मेरे आने तक चलते रहो। जो विजय प्राप्त करेगा और जिन बातों का मैंने आदेश दिया है अंत तक उन पर टिका रहेगा, मैं उन्हें जातियों पर अधिकार दूंगा, तथा वह उन पर लोहे के डंडे से शासन करेगा। वह उन्हें माटी के भांडों की तरह चूर चूर कर देगा। यह वही अधिकार है जिसे मैंने अपने परम पिता से पाया है। मैं भी उस व्यक्ति को भोर का तारा दूंगा। जिसके पास कान हैं वह सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है।